हमारे सीनियर शेफ जो हैं हमारे साथ यानी मनीष नौटियाल जी, आखिर उनका इस बारे में लेकर आखिर क्या कहना है, तो आइए जानते हैं उनके जीवन से रिलेटेड कुछ कुछ खास बातें। तो सर वेलकम, सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया सर, सो इट हैज़ बीन अ लवली एक्सपीरियंस फॉर अस। सर आप हमें ये बताइए सर कि आखिर आप कैसे आए इस फील्ड में, आखिर आपकी पहली ज़िंदगी कैसी रही है, आपने एज अ शेफ़ बनने का कैसे सोचा? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे कुकिंग का शौक बचपन से था या फिर मैं इस फील्ड में बचपन से था या फिर कोई मेरा बैकग्राउंड था कुकिंग का, हाँ बट सडनली मेरा इस फील्ड में आना हुआ बिकॉज एक टाइम हो गया होता है कि हर किसी की लाइफ में रिलेटिव्स होते हैं और एक बार मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को सजेस्ट किया, एक्चुअली मेरी फैमिली को सजेस्ट किया कि आप उनसे होटल मैनेजमेंट करवाइए, वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है, तो उनके कहने से ही मैंने होटल मैनेजमेंट किया। फिर मैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैं दिल्ली मूव हुआ, दिल्ली में मैंने एक जॉब स्टार्ट की, सबसे पहले मैंने रेस्टोरेंट से स्टार्ट की, उसके बाद मैंने मूव किया होटल में और फिर वहाँ से मेरी स्टार्टिंग, उसके बाद एक बार मैं यूएस में भी गया क्रूज लाइन में, उसके बाद फिर अराउंड 2 ईयर्स के करीब मैंने वहाँ पर जॉब की, उसके बाद मैं इंडिया आया और वहाँ से भी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सर हमने सुना है कि आपको करीब 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है कुकिंग की फील्ड में, तो सर क्या आप हमें बताएंगे कि सर इस बीच आपने क्या कुछ सीखा, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस करे सर? ये तो नहीं कहूँगी, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बट हाँ जो मुझे लगा 10 सालों में तो सबसे मेन है फ्लैक्सीबिलिटी। अगर आपके पास फ्लैक्सीबिलिटी है कि आपको जहाँ पर कहाँ क्या काम करना है करना, पर आपको सारी सिचुएशन पता होनी चाहिए। सर आप हमें ये बताइए कि आप आज की युवा पीढ़ी को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जो हमारे नए शेफ हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं जो एक अच्छा कुक बन सकें और कुकिंग को अपना एक अच्छा करियर बना सकें? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा जो कि हमारे स्टूडेंट हैं होटल मैनेजमेंट करते हैं या फिर हमारे यंग शेफ हैं वो अप्रेंटिस करते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप करना चाहो पैशनेट रहो और प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं स्टार्टिंग में, आप फेस करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दिन रात मेहनत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बात याद रखना हमेशा कि जो कुकिंग है कुकिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं कि दिमाग में लेके चलते हैं कि बहुत सारा प्रेशर है कैसे होगा, और इतनी भी ईजी नहीं कि जितना हम उसको लेते हैं, बट वी जस्ट नीड टू बी सीरियस और हम अगर सीरियस हैं अपने काम के लिए तो वी कैन डू परफेक्टली।